क्लास 12 मैथ। हम पढ़ रहे थे बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े हमने, उसके गुणधर्म पढ़े, अब पढ़ेंगे उनकी फिर संक्रियाएं। पहली संक्रिया है संक्रिया, पहली है आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग। तो देखो आव्यूहों का हम योग कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का योग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो इसमें होती है कि जो मान लीजिए कि भाई ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दो आव्यूह हैं, तो पहली बात तो बेटा इन दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, समान क्रम होना चाहिए, समान क्रम होना चाहिए। समान क्रम क्या होना चाहिए, जैसे हमने ए मैट्रिक्स को ले ली ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर के लिए, दूसरी मैट्रिक्स ले ली हमने बी बी आई जे, तो इसका क्रम भी क्या होना चाहिए, एम बाई एन क्रम का होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का योग कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनको हमें जोड़ना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप एक कोई मैट्रिक्स है ए वन वन ए वन टू ए वन ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, कितने ऑर्डर की है, टू बाई थ्री ऑर्डर। ऐसे ही आपने बी मैट्रिक्स ले ली बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री, ये भी कितने ऑर्डर की है बच्चों, टू बाई थ्री ऑर्डर। अब इनको जोड़े हम तो ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे तो देखो क्या करेंगे, जो संगत अवयव है उनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ए वन वन के संगत अवयव कौन सा हो गया, बी वन वन, तो क्या हो जाएगा, ए वन वन प्लस बी वन वन। ए वन टू के संगत कौन सा हो गया, बी वन टू, ये हो गया बी वन टू। फिर क्या हो जाएगा, ए वन थ्री के संगत कौन सा हो गया, बी वन थ्री हो गया। ऐसे ही ए टू वन के संगत कौन सा हो गया, बी टू वन। ए टू टू के संगत कौन सा हो गया, बी टू टू। ए टू थ्री के संगत कौन सा हो गया, बी टू थ्री। और ऑर्डर कितना रहेगा, वही टू बाई थ्री ऑर्डर रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं बच्चों, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका क्या करेंगे, योग कर देंगे। अब करते हैं हम, ये तो हो गया पहला पॉइंट बेटा आव्यूहों का योग। अब क्या करेंगे, आव्यूहों का हम घटाव करेंगे। तो देखो घटाव में क्या होगा, यहाँ दूसरा पॉइंट हो गया आव्यूहों का घटाव। बाकी तो आव्यूहों का इसमें भी ये कंडीशन है बेटा, योग और बाकी के लिए जो दो आव्यूह है उनका क्रम क्या होना चाहिए, पहली बात क्रम समान होना चाहिए। तो हमने समान क्रम के लिए ली एम बाई एन का है, तो ये भी एम बाई एन का, जैसे दो बाई तीन का तो ये भी दो बाई तीन का। अब बात करते हैं हम बाकी की, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, बाकी। तो इसमें भी संगत अवयवों का क्या हो जाएगी, बाकी हो जाएगी। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बाकी आ जाएगी सब जगह। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बाकी। ये हो गई बच्चों दो अवयवों का घटाव। तीसरा पॉइंट आता है इसमें अवयवों का गुणन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अवयवों का गुणा करना, अवयवों को गुणा करना। कोई भी दो अवयव है उसको हम गुणा कैसे करते हैं, तो देखो तीसरा पॉइंट है अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन। तो देखो ए और बी मान लीजिए कि भाई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी को गुणा करना है, ए और बी को क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें ये है कि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए और बी का गुणा तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और B के पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे A कोई मैट्रिक्स ले ली हमने A I J, ये ले ली हमने M by P ऑर्डर की ले ली, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ली हमने B, तो B कितने का ले लिया हमने, B ले लिया B I J। इसमें देखो स्तंभों की संख्या कितनी है, P है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, P होनी चाहिए, तो P by N ऑर्डर का हमने ले लिया। तो A B ए गुणा बी, ए गुणा बी तभी संभव है, तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बी मैट्रिक्स के
पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणा तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है हो, तभी हम क्या करते हैं बेटा, ए गुणा बी करते हैं। दूसरी बात बेटा देखो, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है बी और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है पी में, दोनों बराबर है तभी हम गुणा कर पाएंगे। और जब इनका गुणा करेंगे ए बी तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इधर देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है एम और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी बनी एन, तो ए गुणा बी कितने ऑर्डर का बनेगा बच्चों, एम बाई एन ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई दो मैट्रिक्स का गुणा कब पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स को हम तभी गुणा कर पाएंगे जब ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हम क्या करेंगे ए गुणा बी करेंगे। और ए गुणा बी किसके, जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, एम बाई एन ऑर्डर की बनेगी, यानी इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियां हट जाएगी, क्या आ जाएगा एम बाई एन ऑर्डर आ जाएगा। देखो उदाहरण से करते हैं, बात कर रहे थे बेटा गुणन की, मैट्रिक्स के गुणन की, तो ए हमने ले लिया ए आई जे एम बाई पी ऑर्डर का, बी हमने ले लिया बी आई जे पी बाई एन ऑर्डर का। तो हमने कहा था कि भाई ए गुणा बी का, ए बी का जो क्रम होगा क्रम वो क्या बनेगा बेटा, इसमें देखो ये पी स्तंभों की संख्या है, इसमें पी पंक्तियों की संख्या, तो गुणा करेंगे तो इसका जो क्रम आएगा वो किस क्रम के आएगा, एम बाई एन क्रम का आएगा। कहने का मतलब ए के पंक्तियों की संख्या, ए के पंक्तियों की संख्या, ठीक है, गुणा बी के स्तंभों की संख्या, ये इसका क्या हो गया बेटा क्रम हो गया, इसका क्या हो गया ए बी का क्रम हो गया। अब हम गुणा करने की बात, अब ये तो बेटा क्रम हुआ, अब गुणा कैसे करते हैं, तो देखो गुणा कैसे करेंगे, गुणा करना है तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स हमने ले ली ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ठीक है, बी मैट्रिक्स हमने ले ली बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री ले लिया हमने, इसका ऑर्डर है टू बाई थ्री, इसका ऑर्डर है टू बाई टू। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ए गुणा बी यानी ए बी संभव है या नहीं है, तो ए बी संभव कब होगा, दो मैट्रिक्सों का गुणा कब संभव होगा, जब ए में स्तंभों की संख्या कितनी है दो और बी में पंक्तियों की संख्या देखो कितनी है दो है, बराबर है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं ए बी कर सकते हैं। गुणा कैसे करेंगे हम, गुणा करेंगे हम कैसे बच्चों, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम जो गुणा करेंगे हम वो कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम। तो देखो इधर ए बी मैट्रिक्स ए लिया हमने ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, फिर गुणा बी हमने मैट्रिक्स ले ली बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री। अब देखो गुणा कैसे करेंगे हम, गुणा करेंगे बच्चों रो बाई कॉलम, ये तो है बेटा रो और ये होती है कॉलम, ये रो और ये होती है कॉलम, ध्यान से देखना बच्चों इसको रो बाई कॉलम गुणा कैसे करते हैं। पहली रो ये हो गई बेटा पहली रो, तो ये जो पहली रो है ये इन सारे स्तंभ से, तीनों स्तंभ से गुणा होगी, यानी पहली रो गुणा होगी पहले स्तंभ से। तो देखो इधर ए वन वन गुणा होगा बी वन वन से, ए वन वन गुणा बी वन वन प्लस ए वन टू गुणा होगा बी टू वन, रो बाई कॉलम ए वन वन गुणा होगा बी वन वन से, ए वन टू गुणा होगा ए बी टू वन से, ए वन टू गुणा बी टू वन, एक अवयव बन गया इसका रो बाई कॉलम। अब पहली रो किससे गुणा होगी, दूसरे स्तंभ से, तो ऐसे ही गुणा करना जैसे हमने याद किया है, ए वन वन गुणा होगा बी वन टू से, ए वन वन गुणा बी वन टू प्लस ए वन टू गुणा होगा बी टू टू से, दूसरा अवयव बन गया। अब पहली रो किससे गुणा होगी, तीसरे स्तंभ से, ए वन वन गुणा होगा बी वन थ्री से, ए वन वन गुणा बी वन थ्री, फिर प्लस ए वन टू गुणा होगा किससे बी टू थ्री से, ए वन टू गुणा होगा बी टू थ्री से,
फिर बेटा इसी तरीके से दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति गुणा हो गई तीनों स्तंभ से, तो दूसरी पहले पंक्ति को हमने तीनों से गुणा किया, अब दूसरी पंक्ति को हम गुणा करेंगे, तो देखो ए टू वन गुणा हुआ बी वन वन से, तो ये बना ए टू वन बी वन वन प्लस ए टू टू गुणा होगा बी टू वन से, ए टू टू गुणा हुआ बी टू वन से, फिर ऐसे ही ए टू वन गुणा होगा बी वन टू से, फिर प्लस ए टू टू गुणा होगा किससे बच्चों बी टू टू से, फिर ऐसे ही बेटा ये दूसरे पंक्ति किससे गुणा होगी तीसरे स्तंभ से, तो ए टू वन किससे गुणा होगा बी वन थ्री से, प्लस ए टू टू गुणा होगा किससे बी टू थ्री से, ए टू टू गुणा होगा बी टू थ्री से। और अब चेक कर सकते हो बेटा ये पूरा एक अवयव, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, इस तरीके से कितने अवयव हो गए इसमें, कुल छह अवयव हो गए। तो देखो इसमें पंक्ति कितनी बनी, वही एक दो तो पंक्ति हो गई स्तंभ, एक दो तीन, तो ऑर्डर कितने का बना बेटा दो बाई तीन ऑर्डर का। तो यहां से भी हम देख सकते हैं इसका क्रम कितना आएगा, ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या, तो जो ए बी का क्रम बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा दो बाई तीन ऑर्डर का बन रहा होगा। आई बात समझ लो बेटा, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे। हाँ तो देखो बच्चों एक उदाहरण करते हैं इस पर गुणा पर, कि भाई ए गुणा बी क्या होगा, ए बी क्या बनेगा, ठीक है। तो हम बात करें बेटा पहले कि भाई ए बी का गुणा पॉसिबल है या नहीं है, तो देखो ए में स्तंभों की संख्या दो है और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है दो है, समान है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा संभव है। तो हमने ए बी गुणा करना है, दो तीन माइनस एक चार, फिर गुणा पांच चार माइनस एक छह जीरो दो, ठीक है। ये दो बाई दो ऑर्डर का है और ये दो बाई तीन ऑर्डर का है। तो देखो इधर गुणा कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था गुणा करने के लिए कैसे गुणा करना है, रो बाई कॉलम, ये पहली रो और ये पहला स्तंभ, इससे गुणा होगा। तो देखो गुणा कैसे करोगे, दो किससे गुणा होगा पांच से, तो दो गुणा पांच प्लस तीन किससे गुणा होगा छह से, तो तीन गुणा छह, एक अवयव बन गया पूरा। अब किससे पहली पंक्ति किससे गुणा होगी दूसरे स्तंभ से, तो दो किससे गुणा होगा चार से, तो दो गुणा चार, फिर प्लस तीन किससे गुणा होगा जीरो से, तो तीन गुणा जीरो, फिर पहली पंक्ति किससे गुणा होगी बच्चों तीसरे स्तंभ से, तो दो किससे गुणा होगा माइनस एक से, तो दो गुणा माइनस एक, प्लस तीन किससे गुणा होगा दो से, तो तीन गुणा दो। अब इसी तरीके से बेटा दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी इन तीनों स्तंभ से, तो माइनस एक किससे गुणा होगा छह से, प्लस चार माइनस एक किससे गुणा होगा पांच से, प्लस चार किससे गुणा होगा छह से, माइनस एक किससे गुणा होगा चार से, और चार किससे गुणा होगा जीरो से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा होगा, तो माइनस एक किससे गुणा होगा बेटा माइनस एक से, प्लस चार किससे गुणा होगा दो से। सरल करेंगे बेटा, पांच दुनी दस, छह ती अठारह, चार दुनी आठ, तीन गुणा जीरो जीरो हो गया, दो को माइनस एक से गुणा किया माइनस दो, तीन दुनी छह, माइनस पांच, छह चौक चौबीस, फिर माइनस चार और ये जीरो, फिर क्या आएगा एक प्लस आठ। तो सरल करेंगे बेटा क्या बनेगा, ये देखो रे, दस अठारह अट्ठाईस, आठ प्लस जीरो आठ, छह माइनस दो चार, चौबीस माइनस पांच उन्नीस, माइनस चार प्लस जीरो माइनस चार, और आठ प्लस एक नो, तो कितने ऑर्डर का बन गया बेटा दो बाई तीन ऑर्डर का। ये हो गया दो मैट्रिक्सों का गुणा। अगला पॉइंट है बेटा अदिश गुणन, अदिश राशि से गुणन, अदिश राशि से गुणन, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम अगर अदिश राशि से गुणा करें, जैसे मान लो बेटा एक कोई मैट्रिक्स होगी ए आई जे एम बाई एन होगी, अगर इसे हमें क्या करना है तक कोई अदिश राशि के से गुणा करना है, अदिश राशि के से, तो के ए क्या बनेगा बेटा, के क्या करेगा इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा बेटा ये जो अवयव है यानी के ए आई जे बनेगा ये, और वही एम बाई एन होगा, यानी इसमें जितने भी अवयव है वो सारे के सारे किससे मल्टीप्लाई होंगे के से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मैं एक आपको उदाहरण
समझाता हूँ। देखो जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23 2/3 ऑर्डर का है। इसे हमें क्या करना है, मान लो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करना है, दिस राशि कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो इधर ये मैट्रिक्स होगी A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इस अदिश राशि से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे किससे मल्टीप्लाई होंगे, के से मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो किस तरीके से बनेगा, के ए वन वन, के ए वन टू, के ए वन, के ए टू वन, के ए टू टू, के ए टू। इस तरीके से बताइए क्या हो गया, अदिश राशि से गुणा हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव उस राशि से गुणा होता है। और दूसरी बात है, अगर मैट्रिक्स में से हमें कोई भी अवयव कॉमन लेना है तो वो सारे अवयवों में से कॉमन आएगा। कहने का मतलब है अगर यहां से ये बना है तो इससे बेटा ये भी तो बनेगा, यानी पूरे अवयव में के आ रहा है तो अगर हम K को बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में से कोई भी अवयव हम कॉमन लें तो वो सारे अवयवों में से क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स का गुणा। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अवयव है योग गुणधर्म, अवयव है योग गुणधर्म, अवयव है योग गुणधर्म की बात करें तो इसमें बेटा पहला आता है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय जैसे हमने पढ़ा था, कर्म विनिमय नियम पढ़ा हुआ है, चाहे 2+3 करो चाहे 3+2 करो, बात एक ही। ऐसे ही अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो ए और बी दो समान कर्म के अवयव है हो तो इनका योग कर्म विनिमय होता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स हो गई बेटा ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स हो गई बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर की, तो ए प्लस बी बराबर होगा किसके बेटा, बी प्लस ए के। यही क्या होता है, कर्म विनिमय गुणधर्म होता है। दूसरा कर्म विनिमय गुणधर्म के लिए बेटा सबसे पहली बात तो कि भाई इनका कर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा गुणधर्म है साहचर्यता। साहचर्यता की बात करें तो साहचर्यता के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, साहचर्य गुणधर्म किसी में भी हो, चाहे प्राकृत संख्याओं में हो, चाहे समुच्चयों में हो, चाहे अवयव में हो, तो इसके लिए कितने अवयव होने चाहिए, तीन अवयव। तो तीन अवयव का मतलब यहाँ कितने मैट्रिक्स होने चाहिए, तीन मैट्रिक्स होने चाहिए, ए बी और सी, तीनों समान क्रम के अवयव है हो तो, तीनों ही कैसे हैं बेटा, समान क्रम के मैट्रिक्स हैं तो ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। ए प्लस बी करो, फिर इसमें कोई तीसरी मैट्रिक्स जोड़ दो सी, तो ये बराबर होगा किसके, पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स को जोड़ दो और उसमें क्या जोड़ दो, फिर आप ए मैट्रिक्स जोड़ दो, तो ये गुणधर्म होता है कौन सा, साहचर्य गुणधर्म। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया साहचर्य गुणधर्म। फिर आता है योज्य तत्सम, तीसरा है इसमें योज्य तत्सम। अब योज्य तत्सम की बात करें हम तो योज्य तत्सम क्या होगा मैट्रिक्स में, योज्य तत्सम, योज्य तत्सम क्या होता है, हमने पहले भी बताया था बेटा अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं में या पूर्णांकों में जो योज्य तत्सम होता है वो सदैव क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो यहाँ पे भी शून्य मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, योज्य तत्सम। अगर कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की, तो इसमें कहने का मतलब है ए मैट्रिक्स में हम कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो जो शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, वो क्या होता है बेटा, योज्य तत्सम होता है। क्या होता है, योज्य तत्सम। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की, योज्य प्रतिलोम। अब बात करें हम किसकी, योज्य प्रतिलोम की, तो योज्य प्रतिलोम अवयव कौन सा होगा, तो ए का योज्य प्रतिलोम अवयव, ए कोई मैट्रिक्स होगी बेटा ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की,
तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? कहने का मतलब इस ए में कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए कि शून्य मैट्रिक्स आ जाए। ए मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए, यानी ए में हम क्या जोड़े कि ये शून्य बन जाए, तो इसका मतलब माइनस ए जोड़ेंगे, शून्य मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस ए, और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? ए हो गया। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आव्यूह है गुणन, ये तो थे आव्यूह है योग गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे बेटा आव्यूह है गुणन गुणधर्म, आव्यूह है गुणन गुणधर्म। तो आव्यूह है गुणन गुणधर्म की बात करें तो इसमें भी वही है, क्रम विनिमयता साचर्यता। तो पहला पॉइंट आता है आव्यूह है गुणन गुणधर्म में, पहला पॉइंट आता है क्रम विनिमयता। तो देखो किन्हीं दो मैट्रिक्सों का, किन्हीं दो आव्यूहों का गुणन है, गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। पहली बात बच्चों, किन्हीं भी दो आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है और कर भी सकता है, नहीं करता है और कर भी सकता है। पहली बात, यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसके लिए बेटा सबसे पहली बात तो हमें क्या चेक करनी है कि इन दोनों में गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता है, गुणन संभव है या नहीं है। तो ए गुणा बी, जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले ली बच्चों, ए आई जे एम बाई पी ऑर्डर की ले ली, दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली बी बी आई जे पी बाई एन ऑर्डर। अब देखो मैंने आपको बताया था इसका गुणा संभव है, गुणा क्या है? संभव है। तो इसका मतलब कौन सा गुणा पॉसिबल है? ए बी। लेकिन क्या इसमें बी ए गुणा संभव है? क्या ए गुणा बी संभव है लेकिन बी ए गुणा संभव नहीं है? बी ए गुणन संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस केस में बेटा ये गुणन के नियम का, कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये हो गया बेटा कर्म विनिमय नियम, आव्यूह है गुणन गुणधर्म का कर्म विनिमय नियम। ऐसे फिर इसमें आता है बेटा साचर्य नियम। दूसरा नियम क्या है गुणन में? गुणन साचर्य साचर्यता नियम। दूसरा साचर्यता नियम, साचर्यता नियम क्या कहता है? देखो अगर ए बी और सी तीन मैट्रिक्स या आव्यूह है गुणन योग्य हो तो, गुणन योग्य हो तो ए गुणा बी, फिर क्या करें हम बच्चों? सी से गुणा कर दें, तो ये बराबर होगा ए गुणा बी गुणा सी। तो गुणन जो आव्यूहों का गुणा है वो साचर्य नियम का तो पालन करता है लेकिन कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें तत्समकता, गुणन तत्समकता। तो गुणन तत्समकता क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स है ए ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की है, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की है, तो इस मैट्रिक्स को हमें किससे गुणा किया जाए कि वापस यही आ जाए? तो वो कौन सी होगी बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक आव्यूह है। तो अगर ए को आई से गुणा किया जाए या आई को ए से गुणा किया जाए तो क्या आएगा बेटा? ए आएगा। इसका मतलब आई जो मैट्रिक्स है आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे इसके।